अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और जितने लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबको मोना की और मोना की फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। और आज ईद डे है। आज मैं इस वक्त जो है बेकरी पे मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं फॉर मिठा यानी जो सुबह का टाइम होता है वो बेकरी पे ही होती हूँ। जाके आज हमने जो है वो ईद अपनी किस तरह से गुजारनी है, ये आज आपने इस व्लॉग में देखना है। और अभी इसके बाद जाने के बाद मेरा एक शो है जो कि लाइव होगा, और उसके बाद मेरी एक अपॉइंटमेंट है वो भी ऑनलाइन है। तो ये सब काम भी होते हैं साथ साथ अपने करने के। और फिर शाम में हमें जाना है जनाब, कहाँ पे, अम्मा के घर। और अम्मा के घर जाने के बाद देखेंगे कि वहां किस तरह की एंजॉयमेंट है, सब कौन कौन इन्वाइटेड है, क्या है क्या नहीं है। तो ये सब आज आप ब्लॉग में देखेंगे। तो आइए चलते हैं और आज के दिन का आगाज करते हैं। हाँ जी जनाब, ईद आए और ईद के जो लजीज पकवान हैं वो ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने शेर खुरमा बनाया हो, आपके पास मिठाई हो, कबाब हो और साथ में कचौरियाँ हो। जी हाँ, और चना चाट हो ख़ास तौर पे। तो भाई यहाँ पे मैंने अपना सारा सुघड़ापा दिखा दिया था और ये बनाई थी कचौरियाँ, और उसके साथ मैंने इमली की चटनी थी, शामी कबाब बनाए थे, और ये मैंने अंडे वाला बर्गर भी बनाया था जनाब, ये तो लाजमी है। और ये जैसा कि सदाबहार शीर खुरमा, और ये था जनाब बादाम का केक, और दूसरी साइड पे अभी आना था एक और केक। तो इस वजह से मैंने हाफ एक ही ट्रे में हाफ हाफ चीज़ें रख दी थी। और उसके साथ मैंने जो है वो पापड़ी के लिए ऊपर जो है ना चिप्स ऐड कर दिए थे, और साथ में मिर्च वाली दाल मोर। तो भाई हमारा तो ईद का जो एक कहते हैं ना कि पूरा सिस्टम था, पूरा खाना था, वो तो तैयार हो गया था कि हमने क्या क्या जनाब खाना है। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे हम बच्चों के छोटे छोटे से गिफ्ट जो हैं वो पैक कर रहे हैं मुनीब और सुभान यहाँ बैठ के। और ये देखिए जनाब, जो बच्चों के लिए छोटी सी चॉकलेट्स वगैरह होती हैं इनको हम इस तरह से पैक करते हैं ताकि बच्चे, ज़ाहिर बच्चों को कुछ ना कुछ मीठा तो देना होता है। तो ये ईदी के साथ जो है ना ये चीज़ें बड़ी जो हैं वो काम आती हैं। तो इस वक्त हम जनाब ये सारे पैकेट्स वगैरह रखे हुए हैं, पोर्शंस बने हुए हैं, और ये हम पैक करके देंगे। कितने हो गए वैसे ये? अभी और बनने हैं, इतने ढेर उधर भी रखी हुई हैं, ये सब बननी है, आप लोग बनाइएगा। तो ये जनाब, हाँ जी चलो, अच्छे बच्चे हैं सब। थोड़ी सी जो है ना वो कैजुअल गपशप करेंगे ईद के हवाले से, क्योंकि माशाल्लाह जब लोग यहाँ पे होते हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में काफी उनका हल्ला गुल्ला होता है, मिलना जुलना होता है। तो सबसे पहले तो जरीन साहिबा से मैं पूछूंगी कि माशाल्लाह से वो हैम्बर में काफी अरसे से मुकीम है और इस तरह के कम्युनिटी इवेंट्स करवाती रहती हैं। तो मैं पूछूंगी आपसे कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका कम्युनिटी के हवाले से जो आप ईद के इवेंट्स कर। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी, और ये मेरा सूट जैसा कि आप देख रहे हैं ये सना सफीनास का था और रेडीमेड सूट था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साइज़ के भी सूट मिलने लगे। चले आए नाज़रीन, इस वक्त चलते हैं हम किचन में, और किचन में चल के देखते हैं कि क्या तैयारियाँ हो रही हैं भाई खाने की, देखते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे यहाँ फ्रेश फ्रूट्स जो है वो कट रहे हैं, और किसके लिए कट रहे हैं, चॉकलेट लावा के। तो जनाब ये, और खाने में क्या क्या है ये देखते हैं इस वक्त हम। चले आए चलते हैं ये देखते हैं जनाब। यहाँ पे बन रहा है, बना है, ये क्या है हिर्शी, पता नहीं क्या है, बहरहाल चले जी। ये है बिर, ये है बिर, ये देखिए जी बिर है, और यहाँ पे पता नहीं क्या है, मैं अभी खोल नहीं रही हूँ, और ये भी पता नहीं क्या है, अभी मैं नहीं खोल रही हूँ। और इसमें जो है वो फिश रखी हुई है। इस वक्त हम आ चुके हैं और इस वक्त खदीजा जो है यहाँ मौजूद है, हम लोग इस वक्त जो है वो अम्मी की तरफ आए हैं, और यहाँ पे दावत थी हमारी। तो बस ये है कि इस वक्त हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ओ हो, दो दो कैमरे चल रहे हैं, हेलो जी हाय हाय, कौन से कैमरे में हाय हाय कर रही है। चले और माँ, हेलो, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। ईद मुबारक, ईद मुबारक। यहाँ पे देखिए नाज़रीन, ये लोग जो है इस वक्त चॉकलेट जो लावा है उसकी तैयारी हो रही है। ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, लेके ऐसे छोड़ दो ऊपर। चलें जी अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि जनाब क्या हो रहा है। यहाँ पे फ्राइज़ बनाए जा रहे हैं, ये बना रही हैं
सेम, और इधर जो है ये हरा धनिया वगैरह रखा हुआ है, पॉमेस फ्राई हो रहे हैं, और ये जो है ये qeema.com है। चलें जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। इसमें जो है जनाब, ओ हो पॉमेस हैं यानी फ्राइज़ हैं, और नान है यानी रोटी है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जी इसमें क्या है, इसमें है ओ हो मज़ेदार सी बिरयानी, और इसको हम यहीं रख देते हैं। उसके बाद जनाब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है, ओ हो यहाँ है बटर चिकन, ये है दम क़ीमा, और ये है जनाब पाए, ओ सो यम्मी। और इधर देखा जाए कुछ क्या चीज़ रखी हुई है, ओ हो यहाँ देखिए जनाब चिकन है, और साथ में जो है विंग्स हैं, चिकन टिक्का लग रहा है मुझे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या चीज़ है यहाँ, ओ हो ये देखिए जनाब, यहाँ है फिश जो कि ओवन में उस वक्त हो रही थी, और अब ये इस वक्त रेडी हो चुकी है। साथ में जनाब यहाँ पे हैं दही बड़े, ये देखें, और ये हैं सैलड्स, और साथ में ये हैं सैंडविचेस। तो ये जनाब आज का डिनर मेनू है, ये देखिए जनाब। ये देखिए नाज़रीन, यहाँ पर चॉकलेट लावा जो है ये तैयार हो गया है। अब हम इसको जरा सा, ये देखिए, ये देखिए, आसा सा प्लेट देना, एक देते, एक दे दो, मेरे हाथ में कैमरा है ना। डांक शेर चलें जी, मैं यहाँ पे, मैंने तो एक स्टिक खाई ली चॉकलेट की, और अब जो है मैं शीर खुरमा लूँ थोड़ा सा, ये वाला चमच
जनाब मुझे उम्मीद है कि आज की व्लॉग आप लोगों को यकीनन पसंद आई होगी। हमारा ईद डे कैसे गुजरा ये आपने देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलूंगी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, एक और धमाकेदार व्लॉग के साथ आपके खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं, अगर पसंद आई ये व्लॉग तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।